आपको करवा देती हूँ। एक लिंक रोड के ऊपर मेरा गांव पड़ता है, गांव फरीदपुर। 5 गांव हैं। देखिए, मैं किसी जाति धर्म क्षेत्र को नहीं मानती, लेकिन आपको जानकारी के लिए, हरियाणा स्टेट वैसे तो पूरा भारत ही विभिन्न धर्मों का देश है, वो उसकी क्षेत्र की एक अलग अलग पहचान है, लेकिन हरियाणा की भी मैं बात करूं, हर क्षेत्र की एक अलग पहचान है। तो मैं आपको बात बता देती हूं, मैं बताना चाहती हूं कि जो पंचग्रामी है मेरी, वो कुंडों के नाम से जानी जाती है, और मैं उस पंचग्रामी की बेटी हूं। वहां की मैं परिस्थितियों में आपको लेके जाती हूं, क्योंकि जहां की मैं बात करना चाह रही हूं, जो मैं आपको जहां पर मैं लेके जाना चाह रही हूं, जो आपको मैं बताना चाह रही हूं, मेरा मकसद एक ही है उसके पीछे, कि आप भी वो यात्रा मेरे साथ करके आए और मेरी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को जाने कि कैसी मेरी परिस्थितियां रही हैं, क्या क्या मेरे सामने चुनौतियां रही हैं, क्या मेरे पास सुविधाएं थी, कैसा मेरे पास स्कूल था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, हालात क्या थी, क्या क्या मेरे पास संसाधन थे, और जिस क्षेत्र से मैं निकल के आई हूं, कितना एजुकेशन था वहां पर, कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने भोले भाले लोग हैं, क्या क्या परिस्थितियों से मैंने लड़ना पड़ा, वो इसलिए बताना चाहती हूं कि इन जो चेहरे मैं देख रही हूं, इन चेहरों में क्या पता किसके वो विचार दिमाग पे हिट कर जाएं, और वो बच्चा, अगर आप जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, अगर इनमें से 2 बच्चे भी मेरे विचारों से प्रभावित होकर के अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को सीरियस लेकर के आगे बढ़ गए, तो मेरा आना यहां पर सफल हो जाएगा। मेरा गांव फरीदपुर है, किसान परिवार की मैं बेटी हूं, सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई रही है, मैं प्राउड फील करती हूं, और हमेशा कहती हूं हर स्टेज से, कोई मायने नहीं रखता कि आप किन परिस्थितियों से आए, कैसी हालातों में जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, किस धर्म में आप जन्मे, मायने ये रखता है आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपने जाना कहां पे है। एक किसान परिवार में जन्म हुआ, बड़े भोले भाला सा परिवार, साधारण से किसान, लेकिन सौभाग्यशाली थी हूं कि मेरे पिता की जो सोच थी, बहुत ही अच्छी सोच थी, जो बेटियों को लेकर के जो सोच एक इंसान की होनी चाहिए, कि बेटियां भी कभी बेटों से कम नहीं होती, और मैं एक ही बात कहती हूं, कोई लड़का लड़की का भेदभाव नहीं है, हमेशा इंसान सबसे बड़ी चीज होती है, वो इंसानियत एक औरत में भी हो सकती है, वो इंसानियत एक पुरुष में भी हो सकती है। एक ऐसी महान शख्सियत की मैं बेटी हूं, जिन्होंने मुझे एक अच्छे सपने के साथ मेरे जीवन की परवरिश की, सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर। स्वामी विवेकानंद जी, शायद आपने कहीं उनकी लाइनें पढ़ी हो, मैंने उनको पढ़ा है, वो एक ही बात कहते थे कि इंसान विचारों से बनता है, और विचारों में वो ताकत होती है, यदि विचारों को एक गुफा के अंदर कैद कर दिया जाए, तो विचारों में इतनी ताकत है कि वो पूरी गुफा को भी फाड़ सकते हैं, वो पावर है एक विचार के अंदर, और इंसान विचारों से ही बनता है, विचार ही इंसान को लेके चलते हैं। मैं फरीदाबाद से यहां पे आई हूं, तो वो विचारों की ताकत है यहां तक मेरा आना। मैं अगर मैंने एवरेस्ट जैसे अभियानों को, मैंने माउंट एवरेस्ट जैसे अभियान को सफल किया है, अपने देश की आन बान शान तिरंगा लहराया है, तो वो सबसे पहले मेरे विचारों में लहराया, उसके बाद एवरेस्ट पे जाके लहराया है। एक किसान की बेटी होते होते यदि मैंने 7 महाद्वीपों की यात्रा की, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप जहां पर जीवन यापन नहीं है, -66 डिग्री में जब मैंने अपने देश का तिरंगा लहराया, पहले वो अपने दिमाग में लहराया, उसके बाद जाके अंटार्कटिका में लहराया। पूरे विश्व की महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका, जब मैंने पहली यात्रा की, तो मैं बड़े गर्व के साथ बड़ी खुश थी जब मैंने फ्लाइट में अपना कदम रखा, वो सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर सबसे पहले एक विचार के रूप में आई, उसके बाद जाकर के मैंने दक्षिण
अमेरिका और उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियों पर अपने देश का तिरंगा लहराया, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर वो चीज लहराई। इन सबके पीछे मेरा कहने का भाव एक ही है मेरे छोटे बहन भाइयों, कोई भी चीज, कोई भी हम छोटा सा सपना लेते हैं, कोई भी टारगेट, स्कूल में हम जब सुबह चलते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग उसके लिए तैयार होता है, हमारे दिमाग में एक विचार आता है, तब जाकर के हम उस जगह पे, उस स्टेशन पे पहुंचते हैं। तो यही विचार मेरे पिता ने मेरे अंदर पैदा किए और हमेशा एक ही बात कही कि बेटा मैं ये चाहता हूं कि जो आसपास का जो तेरा माहौल है, जो ये बोड़े बाड़े तेरे चाचे ताऊ हैं, जो इनके बच्चे हैं, ये इनको दिशा नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ें और लिखें, और आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप खेल भी खेलें, कोई गेम करें, और मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा काम करें इतिहास में कि लोग आपके नाम को आपके काम से जाने, और आप इतने जितने भी ये आपको मैं बच्चे दिखा रहा हूं, इन बच्चों के लिए एक प्रेरणा बने, प्रेरणा बने, ऐसा मेरा सपना है। जब मेरे पिता मुझे ये विचार, जब मैं खेत में काम करते थे और ये कैसे पूरे होंगे वो मुझे साथ साथ में बताते थे, सुबह 4 बजे उठाते थे, पशुओं का काम भी करवाते थे, घर के और भी कामों की जिम्मेवारी देते थे। मेरी दादी मुझे चूल्हे पे रोटी पोना सिखाया जिन्होंने, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कब सीखा, मेरे को ये लगता कि मैं जन्म से ही सीख साख के आई थी सारा काम, ऐसा मुझे फील होता है। जब खेत में हल चलाते थे तो मेरे पिता मुझे साथ में लेके चलते थे और एक ही बात कहते थे कि बेटा ये देखना, शायद आप तो जानते भी नहीं होगे, हल की मुन्नी में कितने दाने गिर रहे हैं, कितने डालने हैं, ये भी नोट करना, ये भी एक शिक्षा है, ये भी एक प्रैक्टिकली काम है। ये चीजें उन्होंने मुझे बारीकी से सिखाई और इनका महत्व भी बताया कि आप एक स्पोर्ट्समैन बनेगी तो इन कामों का महत्व क्या है, जब आप ये छोटे छोटे काम करेंगी तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ये आत्मविश्वास जब आप किसी खिलाड़ी को चुनौती दोगी तो वहां पर आपको काम आएगा, वहां पर आपको एक कामयाबी दिलाएगा और अपने देश का तिरंगा ऊंचा लहराएगा। सब कुछ परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा माहौल था, बड़े बड़े सपने मेरे पिता ने, भगत सिंह की मेरे घर में रागनी चलती थी, आज भी चलती हैं, सुभाष चंद्र बोस के मैं किस्से सुनती हूं आज भी, घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरे आजाद से करतर है, बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तर है। ये रागनियां वैसे नहीं बनी, इनका बहुत बड़ा महत्व है। जब पहाड़ों के अंदर होती हूं तो ये मुझे बहुत ज्यादा पावर देती हैं, बहुत ज्यादा शक्ति देती हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। इतने बड़े बड़े मिशन जब पूरे करने होते हैं तो इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है, और ये मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही मेरे अंदर कूट कूट के जो जज्बा अपने देश के प्रति भरा। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक ऐसी परिस्थितियां रही, परमात्मा ने कुछ और मंजूर था, और मैं हमेशा कहती हूं कभी पेड़ के नीचे पेड़ पैदा नहीं हुआ करते, इसलिए परमात्मा ने वो मंजूर किया होगा, और आज वो मेरे साथ जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे, वो शारीरिक रूप से इस दुनिया से चले गए। जब मैं 12 साल की थी वो परिस्थितियां, वो हालात, वो जो मेरे घर की, या तो मेरे सपने ओलंपिक तक मेडल तक के हो गए थे, या वो मंजर, क्योंकि एक लड़की जब समाज में आगे बढ़ने लगती है, एक विधवा औरत जब अपने बच्चों को लेकर के चलती है तो बहुत सारे समाज के सवाल होते हैं, बहुत सारी हालात ऐसी हो जाती हैं, अपने भी बेगाने लगने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी जगह बैठ करके बहुत कम लोग समझने वाले होते हैं, लेकिन हमारा कसूर भी नहीं है, हमारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने आदेश देना जानते हैं लेकिन वो उसकी बात को समझना बहुत कम जानते हैं। तब
13 दिन मेरे पिता को इस दुनिया से गए हुए हुए थे, तो 14 दिन में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे घर में एक छोटी सी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग मेरे चाचे ताऊ, मेरे आस पास के समाज के लोग, रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने एक ही बात रखी कि बड़ी बेटी है, एक साल से मैं गेम कर रही थी, सेहत अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, कि क्यों ना बड़ी बेटी है और हम इसकी शादी कर देते हैं, हमारे ऊपर से एक सिर के ऊपर से एक वजन कम हो जाएगा। ठीक है, गांव के लोग हैं, भोले भाले हैं, उनका भी कसूर नहीं है, उनके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए, वो भी कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो उन्होंने ये नहीं पता था कि ये शब्द आज कहने चाहिए या ना कहने चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी, उस टाइम हमारे को शब्दों की क्या जरूरत थी, किन चीजों की जरूरत थी, उस टाइम मुझे जरूरत थी कि नहीं बेटा, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो करना चाहेगी हम आपको वही रास्ता लेके चलेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आप बच्चों के साथ खड़े हैं, इन शब्दों की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या कि उसके सब विपरीत मुझे दिखाई दिया। मैं अपनी माँ की तरफ नजर दौड़ाती हूँ और अपनी माँ को एक ही बात कहती हूँ कि माँ, शब्दों से बात नहीं कर रही, नजरों से अपनी माँ से बात कर रही हूं। मैं कह रही कि माँ कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तो मेरी माँ का एक ही इशारा आता है, आंख बिल्कुल आंसुओं से भरी है और वो अपने पल्लू के साथ आंसू पोंछती है और एक ही इशारा करती है, और उन इशारे में क्या कहती है वो मैं सब समझती हूँ कि यदि लड़की बोलेगी तो समाज की हजारों आवाज उठेगी और समाज क्या कहेगा, एक ही बात कहेगा कि ये ज्यादा बोल रही है, जरूर ये भागेगी। मैंने अपनी माँ के शब्दों को समझा, भावनाओं को समझा, लेकिन मैंने अपने पिता के जो विचार थे, जो मेरे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं थे लेकिन मानसिक रूप से मेरे साथ खड़े थे और एक ही बात कह रहे थे कि बेटा, मैं इसीलिए आपको तैयार करके गया हूं कि तेरे सामने ये बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को तो कैसे पार कर पाएगी। तब मैंने ये चीज तब सिखाई थी जब मैं खेत में आपको हल जोतना सिखा रहा था, मैं ट्रैक्टर को चलाना सिखा रहा था, मैं आपको हर जिम्मेवारी दे रहा था, तब यही चीज सिखा रहा था कि चुनौतियां आएंगी लेकिन कैसे फेस करना है। और यदि आज तू अच्छे से इनको नहीं समझा पाई एक सम्मान पूर्वक, तो जरूर तेरे सपने को लेकर के अंदर जरूर परेशानियां होगी। आज आपने अपने चाचे ताऊओं को उस बात को क्लियर करना होगा कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं, मैं सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई हूं, मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुई हूं, मैं इस देश को बहुत कुछ देना चाहती हूं, मैं इस देश के लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ। जितने भी मेरे युवा भाई बैठे हैं, मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं जितने भी मेरे भोले चाचे ताऊ बैठे हैं, मैं इनको जगाना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी अपनी कुछ भावनाएं हैं, मेरे अपने समाज के प्रति मेरे विचार हैं, वो मैं देना चाहती हूँ। ये शब्द मेरे अंदर एक पानी की तरह उबल रहे थे। मैंने अपने चाचे ताऊओं को सभी को कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तो एकदम से सभी ने मेरे ऊपर प्रहार किया। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्यार से कहा कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं, तो बोले क्या करना चाहती है, बच्ची थी, इतने शब्द नहीं थे बताने के लिए। मैंने कहा मैं मेरे देश का नाम रोशन करना चाहती हूं, तो वो नहीं माने। मैंने सबसे पहले अपनी बात गांधी विचारधारा से रखी, नहीं माने। फिर मैंने अपने विचार रानी लक्ष्मीबाई की तरह रखे, भगत सिंह की तरह रखे कि मैं ऐसा करना चाहती हूं, यदि आप मेरा साथ देना चाहे तो आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे लिए बाधा भी नहीं बन सकते, मेरा ऐसा सपना है, मैं कुछ करके जाऊंगी इस दुनिया। लेकिन वो परिस्थितियां मेरे लिए नॉर्मल नहीं थी कि मैंने बगावत कर दी और वो नॉर्मल होगी। जब बगावत हम किसी चीज से कर देते हैं, जब हम विद्रोह कर देते हैं, वो हालात फिर आसान नहीं रहते हैं, फिर उसके बाद और भी ज्यादा चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। मैंने अपने जीवन की यात्रा वहां से की। मुझे नहीं पता था बरवाड़ा कैसे जाना है, क्योंकि मैं जब तक मेरे पिता की छत्र छाया में पड़ी थी, मेरे पिता मुझे एक अपनी छत्र छाया में लेके खेत में जाते थे, स्कूल में लेके जाते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अकेली कैसे फाइट कर पाऊंगी। लेकिन मैं एक बात कहती हूं हमेशा, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं आस्तिक हूं। परमात्मा हमेशा हमारे साथ होता है, जैसा मैंने विचार बनाया वैसा ही परमात्मा ने भी साथ दिया। और मैं एक बात हमेशा कहती हूं, जिन लोगों ने मेरे सामने चुनौतियां पैदा की, जिन लोगों ने मेरे सामने विपरीत
परिस्थितियां और ऐसी बाधाएं मेरे सामने खड़ी करी, उन लोगों की मैं दिल से धन्यवादी हूं, क्योंकि शायद वो नहीं होते तो शायद आज मैं अनीता कुंडू नहीं होती। अपने जीवन की यात्रा लेकर के आगे बढ़ी और वही विचार मैं हमेशा कहती हूं कि लोग बोलते हैं उनको आप किस तरीके से बोलते हैं। जब लोगों ने कहा कि ये लड़की बहुत ज्यादा बोलती है और जरूर ये भागेगी, मैं आपको बता देती हूं मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैं इतनी भागी, मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर एक बार नहीं 4 अभियान किए और 3 बार माउंट एवरेस्ट पर अपने देश की आन बान शान तिरंगा लहराने में मैं कामयाब रही। और सिर्फ लोग तो नेपाल साइड से क्लाइम करते हैं, मैं चाइना और नेपाल दोनों साइड से 2 रास्तों से एवरेस्ट क्लाइम होती है, दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी बनी। उसके बाद मुझे वहां भी चैन नहीं आया, क्योंकि मुझे हमेशा आदत है मैं सपनों के साथ जीती हूं, मुझे कई बार रातों को नींद भी नहीं आती। मैं सामाजिक भी हूं, एक पुलिस ऑफिसर भी हूं, एक स्पोर्ट्समैन भी हूं, सारा दिन मैं अपने दिमाग को अपने देश के साथ जीती हूं, हर कोने कोने से जीती हूं, पूरे देश के हर राज्य के साथ जीती हूं कि उस राज्य में क्या हालात है, अपने देश को किस तरीके, क्या मेरा हिंदुस्तान है। मैं वहां भी नहीं रुकी, मैंने पूरे विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची सबसे टेक्निकल चोटियों पर अपने देश की आन बान शान तिरंगा लहराया। मैं इतनी दौड़ के बाद आज वो लोग एक ही बात कहते हैं, देखिए मैं जितनी भी खासकर मेरी बहन बैठी हैं, लड़कियां बैठी, हमेशा कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स का हमारे प्रति नेगेटिव नजरिया होता है। मैं ये कहती हूं कि उनका भी कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं वो चिंतित होते हैं, लेकिन शब्दों की थोड़ी सी कमी होती है कि वो अच्छे वैसे बता नहीं पाते, लेकिन वो कभी भी हमारे ऐसी बात नहीं कि वो हमारे शुभ चिंतक नहीं है। परिवार से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता। मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं, जो एक परिवार हमारे लिए सो सकता है वो कोई नहीं सो सकता, लेकिन सिर्फ इतना है कि उस आदमी ने हमारे को बात किस तरीके से बतानी आई, क्या वो हमारे को समझाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की हमारी एक कमजोरी रह जाती है कि वो बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो समझा नहीं पाते। और खासकर गांव में हमारी जो बोली है, जो खड़ी बोली है, खासकर जो महिलाएं बात करती हैं आपस में, उसका बच्चे की एक मानसिक दशा पे किस तरीके का असर जाता है, शायद वो चीज वो फील नहीं कर पाते, क्योंकि वो भोले भाले हैं, वो किसान हैं, वो माएं बिचारी कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब मैं बात करती हूँ कई बार ताई से, ताई कभी स्कूल में गई, बोली ना बेटा तेरे नानन कभी रास्ता नहीं दिखाया, बताया नहीं, जोड़ पर मैं एस पे आई, ये काम किए वो किए, क्योंकि उनका बिचारियों का कसूर नहीं है, उनको वो परिस्थितियों से, वो कभी स्कूल इतने सुंदर सुंदर प्रांगण उन्होंने देखे नहीं है, इतने खूबसूरत टीचर उन्होंने देखे नहीं है कि यहाँ पर इतने अच्छे प्रिंसिपल हैं, इतने अच्छे टीचर हैं, जो हमारे को अपने विचार, और जो हमारे सामने जितनी भी स्टाफ बैठा है वो भी अपने आप में एक आपके लिए आइकॉन है, क्योंकि वो अपने जीवन से स्ट्रगल करके आपके सामने आए हैं। तो उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल थे ही नहीं, उनके सामने आस पड़ोस में जो भी लड़कियां थी, जो वो थी, सब अनपढ़ थे, तो वो क्या करेंगे बेचारे, उनकी सोच का दायरा उतना ही बन गया है। उन्होंने कभी अपने गांव से बाहर निकल के देखा नहीं, अपना शहर कभी देखा नहीं, गांव का आसपास का कस्बा नहीं देखा। और हमेशा मैं एक 2 पंक्तियां हमेशा याद करती हूँ, ये शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हैं, कि यात्राएं इंसान को इतना सिखाती हैं कि शायद जिंदगी में कोई भी चीज इतना सिखा पाए। जितना इंसान यात्राएं करेगा, जितना इंसान घूमेगा, उतने ही उसके विचार ओपन होंगे। जब मैंने यात्राएं की, जब मैंने 7 महाद्वीप घूमे, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अमेरिका जैसे देशों में जाना हुआ और मैंने वहां की संस्कृति के बारे में जाना, वहां के एनवायरमेंट के बारे में जाना, तो मैंने अपने हिंदुस्तान को, मैं हमेशा कहती हूं, मेरे को बहुत सारी कंपनियां ऑफर करने के लिए आई, मुझे अमेरिका की कंपनी ऑफर कर रही थी कि अनीता हमारे फ्लैग के नीचे क्लाइम कर ले, हम इतने करोड़ रुपए दे देंगे, ये वो दे देंगे। और मैं हमेशा कहती हूं कि मैं मिशनों के लिए बाहर जा सकती हूं, लेकिन मैंने मेरे हिंदुस्तान जैसा देश कहीं भी नहीं देखा। मैं हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूं। यहां की रीतुएं,
यहाँ के हर स्टेट में जाइए आप, अलग संस्कृति, अलग प्रेम, हर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, और ये जितने भी मेरे छोटे बहन भाई हैं आप नोट कर लीजिएगा, और यही चीज शिक्षा हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान जाति धर्म से बड़ा नहीं होता है। ये सिर्फ इंसान के दिए हुए नाम है। इंसान और सिर्फ इंसानियत से बड़ा होता है। मानवता से हमेशा प्रेम होना चाहिए, अपने देश से प्रेम होना चाहिए। जब मैं बाहर विजिट करती हूँ तो वहां पर अनीता कुंडू नहीं होती, वहां पर मैं एक हिंदुस्तान की बेटी होती हूँ, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ, ना कि मैं एक हिसार की बेटी होती हूँ वहां पर। और जो आपके सामने मैं देख रही हूँ, जो ये किताबें हैं, ये आपकी जिंदगी को कहीं भी ले जा सकती है। और मेरे गांव में हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई किले तो दो हैं, एक छोटना बंडवा लेगा, एक बिचले वाला बंडवा लेगा, लेकिन तेरे सामने जो ये बस्ता रखा है, ये किताब रखी है, अगर जे तो इनको पढ़ गया और एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन गया तो इसको कोई भी नहीं बंडवा पाएगा। ये आपकी ताकत है सिर्फ। आप सभी को एक ही बात कहना चाहती हूं, यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को अपने रूम में जाकर के लिख लीजिए, यदि आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को जाकर के अपने कमरे में दीवारों पर लिख लीजिए, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और वो एक दिन के करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको हर दिन हर पल जीना होगा। जब हम किसी चीज को अचीव करते हैं तो उसके पागलपन में जीते हैं, तब जाकर के वो लक्ष्य पूरा होता है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूं, मेरा जो गेम है वो बहुत महंगा है। अगर आप सर्च करेंगे तो माउंटेनियर जब अपनी क्लाइंबिंग के लिए निकलता है तो एक अभियान पर लाखों रुपए खर्च आ जाते हैं। एक एवरेज जैसा अभियान यदि हम साधारण तरीके से भी करें तो कम से कम 40 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। आर्थिक रूप से मजबूती, शारीरिक रूप से मजबूती, सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ना होता है। जब मैंने अपने गेम की शुरुआत की, माउंटेनिंग को लेकर के, पर्वतारोहण को लेकर के, पहाड़ों पे चढ़ना क्या होता है किसी को भी नहीं पता था। यहाँ पर कबड्डी, कुश्ती सब कुछ जानते, सब जानते हैं क्योंकि हमारे गांव में लोग खेलते हैं, लेकिन एडवेंचर को यहाँ पर नहीं जानते थे। तब मैंने अपने गेम के बारे में अपने साथियों से डिस्कस किया, अपने आसपास के लोगों से बातचीत की, तो मेरे को कहने लगे कि ये पागल है, ये क्या गेम की शुरुआत कर रही है, क्या है ये पर्वतारोहण। तो फिर मैंने अपने दिमाग से, अपने मन से बात की और मैंने एक ही बात सोची कि अनीता, तू बनी ही उन कामों के लिए है जहां पर लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये काम नहीं कर सकती, आप वही काम करेंगी जो लोग आपको विद्रोह करते। मैंने अपने गेम की शुरुआत की, अपने अभियानों की शुरुआत की, तब लोग जानते भी नहीं थे। एक अभियान किया एवरेस्ट का नेपाल साइड से, दूसरा अभियान किया, लेकिन आप सभी जानते हो कि 2015 के अंदर नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी आई, और उस त्रासदी में बहुत सारे लोग, जितने भी मेरे क्लाइंबर साथी थे और भी काठमांडू में भी जो लोग रह रहे थे, बहुत सारे लोग मारे गए, बिल्डिंगें गिर गई, ग्लेशियर सारे टूट गए। मैं उस टाइम पे 22,500 फीट पे क्लाइंब कर रही थी, उस सागरमाथा, उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर अपने पीछे तिरंगा लगाए हुए, अपने बैग के पीछे आगे आगे बढ़ रही थी। 26 अप्रैल को 11 बज करके एक ऐसी त्रासदी, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूं, इंसान के साथ लड़ना आसान काम है लेकिन प्रकृति के साथ लड़ना आसान काम नहीं है, यही चुनौती मेरे सामने बहुत बड़ी होती है। मैंने एक ऐसे गेम को चुना जिसको दिखाने के लिए वहां पर कोई भी कैमरामैन नहीं जा सकता। क्रिकेट के मैदान में हजारों कैमरे लग जाते हैं, हजारों लोग तालियां बजाने वाले होते हैं, आपकी पीठ को थपथपाने वाले होते हैं। कबड्डी का मैच होता तो वहां भी सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, आपको मोटिवेट करने वाले होते हैं। लेकिन जब माउंटेनिंग की बात आती है, जब हम पहाड़ों में 2-2 महीने वहां पर बिताते हैं, तो वहां पर किसी से मेरी बात नहीं होती, वहां पर मुझे मेरी माँ की याद भी आती है, मेरे भाई की याद भी आती है, मेरे परिवार की याद भी आती है, मेरे देश की याद भी आती है।
बहुत भावुक पल भी होते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां भी होती है, लेकिन मेरे सामने मेरा टारगेट भी होता है, मेरे हाथ में मेरे देश का तिरंगा भी है। और वो प्राकृतिक विपरीत हालातें, एक साइड से भूकंप आता है, एक साइड से तूफान पर भी ले आते हैं, मेरे सामने गहरी गहरी खाइयां भी हैं और मैंने अपने लक्ष्य पे भी जाना है, लेकिन लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने हौसले को, और हमेशा एक बात, कल मैं मेरे साथ में मेरे साथी रमेश के साथ बैठी आ रही थी, तो मैं बात कर रही थी कि इंसान को एक ही चीज आगे लेके जाती है, अगर एक ही चीज वापिस लेके आती है और एक ही चीज आगे लेके आती है जाती है, वो है उसके अंदर का उत्साह। मंजर मैंने देखा, मेरी आंखों के आगे बहुत सारी मैंने लाशें देखी, लेकिन फिर भी मैंने एक ही बात रखी चाइना सरकार के सामने कि मैं अपने देश का तिरंगा इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लहराना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, आपके आप क्योंकि जब पहाड़ों पे होते हैं तो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा असर हो जाता है, वहां पर हम कुछ भी सोच नहीं पाते हैं और बिना दिमाग को काम करने के बगैर कई बार हमारी डेथ भी हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि शायद इसकी मेंटल हालात अच्छी नहीं रही है, मेरा चेकअप वगैरह किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है ये लड़की। तो उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों करना चाहती है, मैंने उनको बोला कि मैं अपने देश की जो यूथ है, जो युवा है, उस देश के हर युवा को एक ही बात कहना चाहती हूं, मेरा एक ही मकसद है एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का, कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कैसे भी विपरीत हालात हो, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी चुनौतियां हो, चाहे आपके सामने ये हो कि मेरे अंतिम सांस निकलने वाले हैं, तब भी आदमी को लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं करना चाहिए। तो उन सभी ऑफिसरों ने जो पोजिशन मेरे सामने थी, सभी ने मेरी तरफ सल्यूट किया और कहा कि हम गर्व करते हैं हिंदुस्तान पर, कि मेरे हिंदुस्तान की बेटियां इतनी मजबूत होती हैं, क्या खाती हैं, क्या है उस मिट्टी के अंदर। मैंने कहा कि मैं उस भूमि से आती हूं जहां पर भगत सिंह जैसी हस्ती हुई, सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्ती हुई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हस्ती हुई, स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्ती हुई, जिन्होंने हमारे देश का डंका अमेरिका में जाकर के 5 मिनट की स्पीच से पूरे विश्व के अंदर तहलका बचा दिया था। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के अंदर भाषण देने के लिए गए थे, तो जब वो पहली बार एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो उनकी वो लाइनें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। तो उन व्यक्तियों ने उनको बोला था कि गुड मॉर्निंग, उन्होंने कहा नमस्ते, उन्होंने सोचा कि शायद विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं, उन्होंने कहा आई एम फाइन। तो उन्होंने पूछा कि जब हम इंग्लिश में बोले तो आप हिंदी में बोल रहे थे, और जब हम हिंदी में बोले तो आप इंग्लिश में बोल रहे थे। उन्होंने कहा ये पंक्ति बड़ी सुनने वाली है और बड़ी गौर करने वाली है, कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आप मेरी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं आपकी माँ का सम्मान कर रहा था। मेरे जितने भी युवा साथी बैठे हैं, और खास करके मैं मेरे छोटे भाइयों को जरूर कहूंगी, क्योंकि लड़कियों का सीटिंग प्लान आदत होती है हमारी, हमारे को घर में पहले से ही बचपन से ही एक सीटिंग प्लान दिया जाता है, हमारा टाइम टेबल होता है कि बेटी इतने बजे घर से बाहर जाएगी, घर आएगी। आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएं, क्योंकि आपके लिए लड़कियों से ज्यादा चुनौती है, क्योंकि उनका सीटिंग प्लान ऐसा होता है कि वो 10-10 घंटे भी कंटिन्यू बैठ सकती है, लेकिन लड़के के अंदर कुदरती हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो ऐसा होता है कि लड़का हमेशा बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, वो ज्यादातर फोकस नहीं कर पाता है। तो मैं आप जितने भी मेरे छोटे बहन भाई हैं, आपको मैं एक ही बात ये इसलिए कहना चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है लड़का और लड़की में, मुझे हमेशा, मैं जब चलती हूँ कभी मैंने ये फील नहीं किया कि ये पुरुष है ये स्त्री है, मैं आधी रात को भी चलती हूँ, दिन में भी आती हूँ, पुलिस में ऑफिसर भी हूँ,
सामाजिक कामों में भी मैं ऐसे तरीके से रहती हूँ, जब मेरा मन करता है कि मैंने समाज में ये काम करना तो मैंने ठान लिया तो मैं इसी टाइम अपनी गाड़ी उठाती हूँ तो निकल जाती हूँ। मेरे को कोई भी 1% भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप मेरे जीवन से, मैं सुबह से लेकर के शाम तक भी बोल सकती हूँ, शाम से लेकर के सुबह भी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन की थोड़ा कया थी, लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ। आज से मैं 20 साल पहले की हालात की बात कर रही हूँ, लेकिन उन हालातों को, उन विपरीत हालातों से मैं लड़ी, उन चुनौतियों का मैंने सामना किया और हमेशा हौसले के साथ आगे खड़ी रही और बिल्कुल स्वीकार किया, और उनकी बदौलत मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ। आज मैं हरियाणा पुलिस में एक इंस्पेक्टर के रैंक पर कार्यरत हूँ। आज मैं SIS कंपनी जिसमें 4.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूं। जितने भी मेरे अभियान रहे हैं, 7 समिट, एवरेस्ट, अभी पीछे मैंने 2018 के अंदर 7 समिट कंप्लीट किया है, 3 करोड़ रुपए उन अभियानों पे लगे हैं, सारे उस कंपनी ने पे किए हैं। आज मैं इतना मेरी मेहनत का मैं जज्बा रखती हूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं ये इसलिए बताना चाहती हूं कि मेहनत से क्या हो सकता है, लेकिन आज भी मैं उस मिट्टी में इतनी ही प्रेम करती हूं, उस खुशबू का इतना ही आनंद लेती हूं। मैं इस पद को, इस काम को, इन उपलब्धियों को इसलिए बता रही हूं ताकि आप समझे कि मेहनत से क्या हो सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, जो एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे मुझे सम्मानित किया है। वो अर्जुन अवार्ड के बराबर का अवार्ड है, सेम इक्वल अवार्ड है दोनों, और वो ज्यादातर फॉरेस्ट के लोगों को जाते हैं, थल जल वायु सेना को। लेकिन मैं सिविलियन एक ऐसी लड़की हूं जिसने भारत सरकार ने उस अवार्ड से मुझे नवाजा। हाल ही में मुझे तेंजिंग नोर्गे अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा मिला है। जिस गेम को लोग जानते भी नहीं थे जब मैंने शुरुआत की, जहां पर कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, उस एडवेंचर में मैंने अवार्ड मिला, और उस अवार्ड की हाल ही में हरियाणा सरकार ने पेंशन बांधी है जो ता उम्र तक मिलेगी, 20,000 रुपए पर मंथ के वो मेरी पेंशन अलग से मिलेगी। ये उपलब्धियों की ताकत है, ये आपकी मेहनत की ताकत है। पैसा कोई मायने नहीं रखता, आपको सम्मान कितना मिला, जिस चीज, जो बीज यहां पर कोई जानता भी नहीं था, जिस पौधे को, वो बीज मैंने बोया। और मैं हमेशा कहती हूं कि सबसे बड़ी चीज किसान से सीखी जा सकती है। किसान एक ऐसा इंसान है, देखिए हम मजदूर के बेटा बेटी हैं, एक नौकरी वाला भी मजदूर होता है, वो सरकारी मजदूर होता है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। अगर तनख्वाह की बात करें तो यदि हम 6 लाख रुपए भी आते हो, पूरा महीना चलाना मुश्किल हो जाता है। हम सभी, मेरा ये मानना है, चाहे वो किसान का बेटा बेटी है, सब एक मजदूर है। हम सभी मेहनत कर रहे हैं, हर दिन मेहनत करते तब हम अपना पेट भर पाते हैं। मैं आपके सामने हूं, बेसिक स्लीपर पुलिस में हूं, मैं भी एक सरकारी मजदूर हूं, ये मानती हूं मैं अपने आप को। और सबसे बड़ा मैं जिसको मानती हूं, वो किसान और मजदूर को मानती हूं, क्योंकि वो मिट्टी में मिट्टी से मिलना जानता है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब एक किसान खेत के अंदर जाता है, बहुत सारे लोग, आज हम शहरों में रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो हम 5 मन कर्ण खरीदेंगे तो उसको एक एक दाड़े को सामने रखेंगे, लेकिन एक किसान एक ऐसा खुले मन का व्यक्ति होता है, वो पूरे बीज को पूरे खेत में खिड़ा के आता है, और वो एक ही आशा के साथ आश करता है कि 10-15 दिन के बाद एक पौधा जन्म लेगा, अंकुरित होगा। उसको मैं 10-15 दिन के बाद डेली खेत में जाता है, वो उसको निकलते हुए देखता है, फिर वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बैल आती है, वो बैल को देखता है। लेकिन परमात्मा के जब करने होते हैं तो बड़ी बड़ी ओड़े भी आते हैं, बारिश भी आती है, आंधियां भी आती है, उस फसल को तबाह होते हुए भी देखता है। लेकिन देखिए, उसके बावजूद भी वो टूटता नहीं है, और एक नई आशा के साथ वो घर पे आता है और खाना खा करके सो जाता है, और एक नई आस के साथ, एक नई सुबह के साथ उठता है, और फिर खेत में दोबारा से बीज बोने के लिए जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, किसान से बड़ा कोई भी व्यक्ति धैर्यवान नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे सामने
एक आइडियल। और मैं बड़े प्राउड के साथ कहती हूँ स्कूल में जब मेरे टीचर मुझसे पूछते थे कि आपके पिता क्या करते हैं, तो मैं बड़ी छाती ताण के हमेशा कहती थी कि मेरे पिता किसान है। और आज भी कहती हूँ मैं किसान की बेटी। और जब मैं, मेरा दोनों फील्डों से बहुत गहरा नाता है, मैंने अपने हाथों से खेत में गेहूं को बोया भी है, काटा भी है, मैंने उस ग्लेशियर को भी जिया है जहां पर मेरे भाई सियाचिन जैसे ग्लेशियर में माइनस डिग्री के अंदर AK-47 लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक पूरी रातों में, इतनी सर्द की रातों में इतने माइनस टेम्परेचर पर बिना खाए हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उस चीज को भी मैं बहुत अच्छे से फील करती हूं क्योंकि मेरा गेम ही ऐसा है। और मैं हमेशा एक हर स्टेज से की बात कहती हूं कि हमें इन छोटी छोटी बातों से उठ करके, जाति धर्म अक्षेत्रवाद से उठ करके हमें देश और राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए और वो काम करना चाहिए। एक सैनिक ही हमेशा देश को मजबूत बनाने का काम नहीं करता, वहां पर हर जनता भी मजबूत बनाने का काम कर सकती है। हम स्कूल की बिल्डिंग को अच्छा रख सकते हैं, हम रोड को अच्छा रख सकते हैं, हम जितनी भी हमारी सरकारी चीजें हैं उनको अच्छा रख सकते हैं, हम अपने गांव के आसपास का वातावरण अच्छा रख सकते हैं, हम बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट कर सकते हैं, हम गाँव में स्वास्थ्य के कैंप लगा करके पूरे गाँव को स्वास्थ्य की सुविधा दे सकते हैं, हम इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं। ये भी देशभक्ति के मायने हैं। मैं आप सभी को ज्यादा ना कह करके, क्योंकि मुझे सर कह रहे थे कि अनीता आपके जीवन का जितना भी स्ट्रगल है वो आप बच्चों के साथ शेयर करना, और मैं कभी भी सर अपने जीवन की हर बात कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर कर पाऊँ बच्चों के साथ और उनको बता पाऊँ कि मैं किस ग्राउंड लेवल से उठी हूँ और आज भी उसी धरातल पर जीती हूँ, आज भी मुझे उसी खाट पर सोना अच्छा लगता है, वही दो रोटी और दाल का खाना अच्छा लगता है, आज भी मैं उस हारे चूल्हे की जो टेस्ट है, जो स्वाद है, उसको फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं उस संस्कृति में पड़ी बड़ी हूँ। आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी आदतें ही आपका संस्कार हैं। मेरी माँ ने, मेरी दादी ने हमेशा मुझे मेहनत करना सिखाया है। मेरे आसपास के जो माहौल था, मेरे चाचे ताऊ थे, वो मुझे हमेशा मेहनत करते ही दिखे हैं। मेरे टीचर थे, मेरे गुरुजन थे, वो स्कूल में पढ़ाते, इतने पढ़ाते, फिर खेत में जाके काम करते थे। मैंने अपने गुरुजनों से भी बहुत कुछ सीखा है। और मैं आप सभी, जितने भी मेरे छोटे बहन भाई हैं, आप जितने गुरुजनों का आदर सम्मान करेंगे, आप जितना इनका, इनकी इज्जत करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, समाज में बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, परमात्मा आपको उतना ही ऊपर लेके जाएगा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकली अनुभव। अब मैं कभी आपको मिलूं, जब आप मुझे 5-7 साल में कहीं मिलें, तो आप ये कहें, अनीता दीदी नमस्ते, मैं फोर्स में कमांडेड हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आप गंगवा स्कूल में आई थी, जब आपने, आपके विचार, आपके स्ट्रगल को हमने सुना था और उस दिन हमने ठान लिया था, अपने कमरे में हमने लगा लिया था, और आज उसकी बदौलत मैं कलेक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, ऐसा मैं सुनना चाहती हूँ। और ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये असंभव नहीं है, कोई भी इस दुनिया में चीज असंभव नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ठानना आपने है, करना आपने है, अपनी आदतों को बदलना आपने है। और दो पंक्तियां हमेशा कहती आई हूं, मनुष्य सबसे पहले आदतों का निर्माण करता है और फिर आदतें मनुष्य का निर्माण करती हैं। तो ज्यादा न कह करके मैं मेरे छोटे बहन भाइयों से, जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे एक ही निवेदन करती हूँ, एक ही आशा रखती हूँ बड़ी बहन होने के नाते, कि आप सभी के जिंदगी में चेहरे मुस्कुराएं और आप कामयाब हो। और एक युवा शक्ति पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जितना युवा मजबूत होगा उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप देश को मजबूती में बनाने के लिए आपकी भागीदारी हो। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अनीता मैडम, आपकी संघर्ष गाथा को सलाम, आपकी देशभक्ति को और ओजस्वी वाणी को सलाम। हमारे विद्यार्थियों ने जरूर
एक मन में इनके लो जगी होगी कि इन्होंने भी कुछ असंभव को संभव करके दिखाना है, और आपका संघर्ष इनको बताएगा कि आपके जो हालात थे, जिन हालातों में आपने सामना किया है और संसार की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचे हो, इनके हालात आपसे बुरे नहीं हैं, ये भी सब कुछ कर सकते हैं। विद्यार्थियों से एक निवेदन है, कुछ देर पहले महिपाल आर्य जी ने आपके साथ नंबर शेयर किया था अनीता मैडम का।